मेरा परिचय आपसे कराया गया कि एक पूरा समूह लेकर आप लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, ठीक है। जब मॉर्निंग वॉक होती है और उसके बाद पहला जूस या चाय का ब्रेक होता है, तब तो ईमानदारी से सब तय हो जाता है। लोग तो कहते हैं कि वोट बहुत पहले तय हो चुका होता है, मूड पहले बन चुका होता है। तो मोटा मोटा आजमगढ़ का पहले तो मुद्दा समझाइए कि आजमगढ़ में मुद्दा भी है या सिर्फ पार्टी की, सियासत की, नामों की लड़ाई ज्यादा है। नहीं, यहाँ मुद्दा तो है, मतलब यहाँ विकास का मुद्दा है। विकास 18 महीनों में बहुत हुआ है, 18 महीने में विकास बहुत ज्यादा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, विकास होता रहे, इसलिए फिर से सांसद निगोह जी को सांसद बनाना हम लोग की इच्छा है। 18 महीने कहते हैं तो हमारे कई दर्शकों को समझ नहीं आता कि 5 साल वाले लोग 18 महीना काहे कह रहे हैं। नहीं, उपचुनाव में जीते थे ना, उपचुनाव में जीते थे तो इसलिए 18 महीने गए थे। मैं थोड़ा उसको और समझा देता हूँ कि यहाँ जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो गठबंधन ने जीता था, उसके बाद उपचुनाव हुआ तो आपके वर्तमान सांसद जीते, जिनको आपने कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जो कार्यकाल उनको मिला उसमें काम किया। तो किस तरीके का विकास है जिसके लिए आप वोट कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है? जैसे यूनिवर्सिटी अभी यहाँ खुल गई, एयरपोर्ट खुल गया, सड़कें सब बन गई, तो और आदमी को यही चाहिए ना, लाइट हमेशा रहती है, यही चाहिए ना, तो सब कुछ मिल रहा है। आप कुछ बोलना चाहिए? जिस मुद्दे पे आज कांग्रेस राज कर रही थी, वो सारे मुद्दों की यहाँ मूलभूत जरूरतें जी थी, उसको 18 महीने में उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने गरीबों का आवास दिया, उन्होंने वंचितों को आश्रय दिया, उन्होंने विकलांगों को उनकी सहायता दी, दिव्यांगों को, उन्होंने यूनिवर्सिटी दिया, उन्होंने जो यहाँ एक वो अपने प्लेन उतारने के लिए यहाँ के माननीय लोगों ने अपने पट्टी बनाई थी उसको जनता को समर्पित कर दिया कि भैया जनता की यहाँ प्लेन उतरेगी, जनता का काम होगा। जो यहाँ पर्सनल नीड थी उसको उन्होंने समाज को दिया। आज यहाँ जो सड़कें खराब थी, जो सड़कें यहाँ तक कि 10 विधायक होने के बाद विधायक जी लोग के घर तक की सड़कें नहीं बन पाई थी, उसको भी उन्होंने बनवा के दिया। जो रौनापार साइड में गड्ढे थे वो सारा उन्होंने रोड भर दिया। तो जो जैसे दिखता है कि ना कि जो काम है वो काम अगर हो रहा है तो वो कंटिन्यू रहे, ऐसा ना हो कि आज ब्रेक लग जाए तो फिर वो सड़कें टूटना शुरू हो जाए, इसलिए आजमगढ़ उनको वोट कर। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम नीरज सिंह। अब वहां पर भी कई लोग खड़े हैं, आप जो जिसकी ओर इशारा करेंगे आपसे। अब कैप्टन ये बोल रहे हैं कि इधर विरोधी हैं, हम तो कांग्रेस के हैं, इंडिया गठबंधन में। आप सवाल साथ साथ घूमते हैं तो विरोधी का है कह देते हैं? विचारों का विरोध है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। ये सवाल कर रहे हैं 18 महीने में, सवाल मुद्दों का, जैसे किसी ने केंद्रीय विद्यालय नहीं बनवाया, नवोदय विद्यालय किसी ने नहीं बनवाया। मैं आपको बता दूं, शायद आपको मालूम भी होगा, राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय का जब निर्माण किया उसमें नई शिक्षा नीति के तहत आज भी प्राइमरी के बच्चे का ही वहाँ एडमिशन होता है। क्योंकि राजीव गांधी ने जब नई शिक्षा नीति बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे बेटे तो अंग्रेजी पढ़ लेंगे 86 में, नहीं गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा। उसी के तहत उन्होंने नवोदय विद्यालय का निर्माण पूरे देश में, और आज भी उसमें कॉन्वेंट का बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, जब भी होगा अच्छा जो प्राइमरी का बच्चा पढ़ के जाएगा उसी का एडमिशन होगा। और रहा, इस देश में किसी ने चीनी मिल बनवाने का काम नहीं किया जो किसानों से जुड़ा था। देवरिया में 14-14 चीनी मिलें थी जो है, यही छठिया चीनी मिल, घोसी चीनी मिल, मंडी, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ, मंडी, रेलवे को बड़ी रेल लाइन बनाने का काम किया, तो तमाम ऐसे बड़े काम है। चूंकि लोग इतिहास से भूल जाते हैं, लंबा दौर हो गया है, जैसे कोई नाई की दुकान में जाता तो पीछे नहीं देखता बाल कैसा काटा जो है। अब चूंकि इतिहास की बातें हो चुकी हैं, अब आज आप देख ही रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसी चीजें हैं, लोगों को रोजगार नहीं। मेरा नाम दिनेश यादव है। एक बात बताइए, मैं आता हूँ आप पर भी, नाई की दुकान पे जब जाता है और पीछे नहीं देखता है तो बाद में एक आईना दिखाया जाता है कि पीछे कैसा है, तो घूम घूम कर लोगों के बीच वो आईना दिखा रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, यही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।